को मैं जोड़ना चाहूंगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मार्शल और सुशील, आप दोनों को पुनः एक बार मैं दिल के गहराई से धन्यवाद देना चाहूंगा। और यहाँ से टॉस का जो प्रक्रिया उसको जीत लिया है और पहला यहाँ शॉट के लिए बुलाया जा रहा है यहाँ साहिब इनके टीम को, और चीपिंग का जिम्मा यहाँ पर देखना होगा। इस बार फिर से एक उभार इस समुदाय के एक उभार खिलाड़ी तेरेसा जी कीपिंग का जिम्मा संभालेगी, तो देखना होगा क्या तेरेसा के पास बहुत सारी चीजों का अनुभव है। पहला मैच यहाँ खेला था उन्होंने 2023 में, उस टूर्नामेंट में इन्होंने गोल भी दागा था अपने टीम के लिए और आज किसी कारण बस यहाँ गोल नहीं हो पाए खेल के अंदर, तो यहाँ ड्राइवर का भी जिम्मेवारी यहाँ पर तेरेसा के कंधे पर है, क्योंकि देखना होगा वो टीम के कैप्टन के साथ साथ एक बहुत ही सुंदर व्यवहार वाले हैं और उनका खेल भी बहुत सुंदर दिखा मैंने। सामने तेरेसा उनके लिए तैयार 15 नंबर के जर्सी पर, और इसी के साथ ये गोल बेहतर गोल यहाँ पर, और देखिए हमारे जितने युवा वर्ग के हैं बालिका वर्ग के, देखिए कैसा गोल करता है ये किन्नर समाज के खिलाड़ी। ये सिर्फ नाचना नहीं बजाना नहीं, ये दूसरे को नचाना भी जानती है और सामने वाले कीपर को चकमा भी देना जानती है। और यहां से इस बार 6 नंबर गोटा की ओर से और ये तालाजी 6 नंबर जर्सी पर, देखना होगा यहां तालाजी की ओर से क्या यहां साहेबगंज के ऊपर ताला लगाने में कामयाब होगी, क्योंकि चाबी इनके पास है, बॉल इनके पास है, परंतु दरवाजे पर खड़ा यहां पर एक बेहतर कीपर, बेहतर। और इनका एटीट्यूड देखिए, एक जो युवा दौर के खिलाड़ी का एटीट्यूड होता है उसी एटीट्यूड को दर्शाते हुए लगता है कितना मजे हुए कीपर है। और क्या बेहतर से फेल कर दिया गया यहाँ, चलिए उनका नाम यहाँ मेंशन नहीं है, लेकिन जैसा भी है पूरे सजावट के साथ है, कानों पे एकदम चमकता हुआ उसका हेयर रिंग, उसके बाद पूरे सजावट के साथ उन्होंने कीपिंग का जिम्मा संभाले और फिलहाल खेल के दौरान जो उनका लाजवाब था वो यहाँ ट्राइबेकर के भी नजरिए से बहुत ही सुंदर। और इस बार यहाँ तेरेसा जी ग्लव्स पानी है तो ये भी तैयार है कि अगला बॉल को शायद ये सेव करने का मंसूबे से इस बार जाती हुई। और ये 11 नंबर, ये बहुत जाने पहचाने हैं, ये इधर इस इलाके में बराबर आते हैं, तो देखना होगा 11 क्या जोड़ेंगे अपने साथ और अधिक गोल सामने होंगे। इस बार तेरेसा लंबे कट काटेंगे, ये कीपिंग ट्राई देकर, इनको पता है खेल हर फुटबॉल का हर गतिविधि इनको पता है। देखिए इनका भी एटीट्यूड देखिए क्या बेहतर, एक बेहतर कीपर, एक युवा वर्ग की तरह इन्होंने अपने शरीर को हिलाते हुए, और देखिए यहाँ पर गोल नहीं हुआ, सीधे क्रॉस बार से टकरा कर बॉल बाहर की ओर आई है, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं अपने आप को एक्शन पर लाइक किया और क्या नियम क्या डिसिप्लिन के साथ एकदम पूरे एक गोल लाइन का जो लाइन अब होता है उसी पर खड़े होकर थी। अरे बहुत नहीं तो चलाओ अपना 12 नंबर जर्सी रहे, हेमलता आदचे नोड़े तो गोल हजुआ हेमलता होते, अरे बहुत खिलाड़ी ड्रेस आ रहा मुका हरियर पिता तो पुत्र करा में सामने एक सुपर कीपर, या देखिए क्या जवाब नहीं इनका, क्या छोटा सा जोरदार गोल का, और इसका अभिवादन देखिए शुक्रिया के साथ तालियों के साथ क्या, इनका एक बहुत ही फेमस है हर चीज को तालियों से स्वागत करती है, बहुत ही धन्यवाद इनका। और बहुत जल्दी हम इनका कुछ अलग सा यहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी देख पाएंगे। और इस बार साहेबगंज के खिलाड़ी को भेजा जा रहा है अगला शूट के लिए, लेकिन सामने अच्छा बाबू है वो आप डांस टीम आप बारे की तहत आप डांस टीम आप बारे की तहत है नुकु धार नुकु पेनल्टी शॉट को मुचोदा नुकु की बोन डांस चुका अभी दो नुकु की को हेने तो ना हां तो चारों ओर से एक बार जोर की ताली होना चाहिए इसका डांस देखने के लिए।
क्या गड़गड़ा में सुनी लगड़ा सबका मन इनका दास लोको तो नवा लोग क्लब से खोए और जी के नालो पे अस्कित हुआ और मैं बताना चाहूंगा सुशील तीन तीन काम कर रहे हैं यहाँ पर लोगों को अपने आंखों में रख भी रहे देख रहे हैं और एक हाथ से वीडियो भी बना रहे हैं ये भी एक यूट्यूबर है और साथ साथ बीच बीच में कमेंट्री भी कर रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशील जी और देखिए तरेला जी का कमाल इसीलिए उन्होंने ग्लव्स हाथ में पहना था क्योंकि उसको पता था कि इस बार शॉट कैसे और देखिए क्या सुंदर सुशील अपने आप वहां बॉल को जाकर रखा ये समाज को हम दूषित कहते हैं लेकिन नहीं ये साबित कर रहे हैं कि हम दूषित नहीं है हम बेहतर है और हमारा इज्जत कीजिए हमारा भी शुक्रिया अदा कीजिए कि आज हम आप लोगों के बीच में बेहतर खेल दिखाते हैं सुशील जी बिल्कुल और हम लोग अपेक्षा करेंगे कि केवल शहरी ही नहीं बल्कि जहां भी इस प्रकार का टूर्नामेंट आयोजन हो वहां कम से कम जिस प्रकार से आजकल मैं देख रहा हूं हर जगह जहां बॉयज का मैच होता है वहां गर्ल्स का भी मैच होता है तो मैं यही अपेक्षा करूंगा ऑर्गेनाइज कमिटी से कि धीरे धीरे अब थोड़ा सा और बदलाव आए और बॉयज बालिका के साथ साथ हमारे किन्नर समाज को भी उस आयोजन में जोड़ने का प्रयास करें मैं यही दरख्वास्त करता हूँ सारे आयोजक कमिटी से जहां जहां टूर्नामेंट होती है चलिए यहाँ 11 नंबर की जर्सी पर और एक झमकार ड्राइव लगाया सुशील राज जवाब ये दोनों कीपर कहीं ना कहीं सारे लोगों का मन को जीत चुके हैं और इनका चलने का एक्शन हंसने का देखिए दोनों खिलाड़ी में तो आपस में अभी कहीं ना कहीं विरोधी दल है लेकिन इनका तालमेल इनका सोच विचार कितना सुंदर है सुशील यहाँ अफसोस की बात यह है कि यहाँ चार टीमों का सिलेक्शन हुआ था अगर चार टीम होता तो और लाजवाब होता तो चलिए दो टीम भी आया है ये तो मैं शुक्रिया हमारे इस क्लब के अध्यक्ष ये पंचायत समिति सदस्य हंटू जी को देना चाहेंगे इनका मेहनत रंग लाया सुशील जी जी बिल्कुल निश्चित रूप से देश भर को तीन मैच जिन्हें लसर है नंडेपुर सेटर करना मरंग उका मीटे सपना मीटे तो कुकमू लेकर मीटे कथा करना हो लेकिन नुकू का मीटे कुकमू को जल लेका मीटे को गोटा ले मोने मुरुक ले को तीन शहरी कमिटी को पुरुनों कथा अदे आपे जो बहा को गोटो तक बाबा तक बहा को मिसरा को आपे सराहा पे चल चुना शहरी से नौकर आयोजन सपना तीन आपे को हते आपे को जल संगी के आयोजन इसे फलो और निश्चित रूप से आप जो को सराहा पे चल चुआ जो गो बहा मिसरा को तक पे सेटर का आयोजन है और साइड से जो भी कैमरा कर रहा है कृपया करके आप बाहर से कैमरा करें ग्राउंड के अंदर ना प्रवेश करें अन्यथा कमेटी वाले जाकर आपको इतना साइड कर देगा कि फिर कैमरा धुंधली पड़ जाएगी और देखिए सुशील इस बार तेरेसा जो एक चर्चित प्लेयर तीन नंबर एक नहीं दो नहीं तीन नंबर की जर्सी पर है और मन ही मन कहीं ना कहीं है यहाँ पर फिलिपन जी कुछ अलग से ही सोचा कि आज मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है ये किन्नर समाज का खेल को हम संचालित कर रहे हैं उनके सहयोगी रेफरी मोतीलाल जी उनके सहयोगी रेफरी पर यहाँ दो दो रेफरी श्याम जी और फिलिपन जी सुंदर गोल यहाँ पर इस बार ये कीपर क्योंकि दोनों को पता है कि ये किसके किस लेवल का कीपर है मेरे साथ इसीलिए उसको थोड़ा सा भागना नामुमकिन था और देखिए यहाँ पर जो हमारे टिकट काउंटर फिलहाल अभी तक खुली है और जिसको टिकट कटवाना है सामने यहाँ कैप्टन जी के पास टिकट है और बहुत सारे लोगों के पास आप लोग टिकट कटवाए अभी तक समय है कि आप अपने भाग्य का फैसला कुछ ही क्षण में ले सकते हैं और इस बार साहेबगंज टीम को हर हाल में गोल करना पड़ेगा अन्यथा यहां तरेसा जी पुनः एक बार इस मैदान से चैंपियन बन जाएंगे क्योंकि देखना होता और इस बार गोलकीपर खुद आया है शॉट लेने के लिए उनका कहना है कि कहीं ना कहीं हमें चकमा दी थी इस बार हम उनको चकमा देने का प्रयास करेंगे तो देखना होगा और सामने तरेसा तैयार ये लास्ट बॉल चे गलवा आर गल अडी मच गल दोनों कीपर ने दोनों को चकमा दिया है
लेकिन अभी भी चुनौती खत्म नहीं हुआ यहाँ साहिबगंज के लिए, क्योंकि अगर यहाँ पर गोटा के तीन गोल कर देते हैं तो यह विनर बन जाएगी इस बार का। और देखिए यहाँ तेरेसा का एटीट्यूड देखते हो, सुशील कैसा चल के आ रही है, लग रहा है कि नहीं ये भी बॉयज से कम नहीं है। और एक खिलाड़ी के माफी किसका कद काठी है, खिलाड़ी के माफी किसका बॉडी स्केल है पूरा। और इस बार शायद लकी नंबर 7, ये जो इंडिया का फेवरेट नंबर कौन हो सकता है सुशील जी बता सकते हैं, इंडिया का फेवरेट नंबर 7 नंबर ज्यादा किसका फेवरेट है और कौन इसको पहनते हैं ज्यादा? क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ये जो नंबर है, जो हर प्लेयर से इस नंबर को पहनने के लिए काफी एक्साइटेड रहते हैं। अब हम देखेंगे 7 नंबर में जो गई है इनका शॉट कितना डिफिकल्ट होगा अपोनेंट टीम के गोलकीपर के लिए। और सुशील यहां से अगर ये गोल कर देती है तो कहीं ना कहीं ये टीम पहुंच जाएगी एकदम सीधे विनर टीम के रूप में। और इस बार तैयारी अगर यहाँ से निकला जाता तो मैच को जीत लेते, लेकिन मैच फिलहाल बराबर के स्कोर पर। और यहाँ से अगर नहीं 1-1 का जो सिस्टम है उसको फॉलो करेंगे दोनों यहाँ टीमों को, दोनों ही ओर से 5-5 शॉट लिया गया था, दोनों बराबरी स्कोर पर इसको समाप्त किए। और यहाँ से सडनली 1-1 का जो सिस्टम उसको फॉलो किया जाएगा, वो एक शॉट दोनों ओर से मिलेंगे, देखना होगा उस एक एक शॉट को किस प्रकार यहाँ खिलाड़ी भुना पाते हैं। और लगभग सुशील जिस प्रकार यहाँ वॉइस ग्रुप का ट्राई देता है प्रैक्टिस देख रहे थे, तो सेम टू सेम बिल्कुल ऐसे ही जा रहा है, ये लोग भी हार मानने में से नहीं है। और जी बिल्कुल यहाँ पर ये सडनडेथ का प्रथम शॉट, गेंद और टारगेट पर गई है। और यहाँ से अब मौका मिलेगा गोड्डा टीम को मैच जीतने के लिए, नवा बॉल गोल पे मैच पे जीता हुआ गोड्डा टीम, नवा बॉल पे मैच पे जीता हुआ बेन खान कीपर बने अंत नहीं खतरनाक गोल कीपर, नवा बॉल हुए दरामो सिचे। देखिए आप पहला शॉट किए थे इसलिए आपको वो चांसेस नहीं मिलेंगे, तो दूसरा खिलाड़ी को जाना होगा। 12 नंबर पहले शॉट लगाए थे लेकिन वो इस बार नहीं जा सकते, उनके जगह किसी दूसरे खिलाड़ी को जाना होगा। अब थोड़ा जल्दी करेंगे आप लोग, और इस बार 9 नंबर के जर्सी पर बिल्ला जी यहां आए हैं, देखना आप सर पे पगड़ी बांध कर आए, क्या रेड रेड कलर बहुत खतरा होता है, क्या यहाँ खतरा में डाल सकते हैं यहाँ साहिबगंज के टीम को। और सारे खिलाड़ी यहाँ एक्साइटेड थे, क्या ये विनिंग गोल होगा? और से बाहर कीपर लाजवाब। और मार्शल इस तरह की कीपिंग का नजारा आप शायद बॉयज ग्रुप में भी नहीं देखेंगे, आप इस कीपिंग के लिए जो सब जरूर कहें। जी रिंकू था यहाँ पर सबसे टॉप क्वालिटी वाला ब्लॉकआउट यहां पर देखने को मिला था साहिबगंज टीम के गोलकीपर। और यहां से अगर गोड्डा टीम गोल करती तो इसका मतलब वो इस टूर्नामेंट का चैंपियन टीम वो बन जाते, कि दस समुदाय से मैच का भी लेवल क्या है यहां साहिबगंज टीम। तो चलिए इस बार एक और नए खिलाड़ी को भेजा गया है, तो सुशील ये तो मजा आ रहा है बिल्कुल, सारे दर्शक हम तमाम कमेंटेटर को भी मजा आ रहा है, क्योंकि दर्शक इतना उत्साहित इनका खेल से नहीं है, तो कहीं ना कहीं उससे ज्यादा यहाँ ट्राई देखते हो रहे हैं। ये बिल्कुल वो तो सही है, लेकिन जो बालिका टीम है वो इंतजार में है कि कब हम लोगों को खेलने के लिए समय मिलेगी, वो इंतजार में है तभी से। और हालांकि इन दोनों के बीच में इतना तगड़ा मुकाबला चल रहा है पेनल्टी शूटआउट का, आप समझ सकते हैं ये
मैच का जो लेवल है, ये स्तर है, कितना हद तक यहाँ पर बेहतर आप समझ सकते हैं। और मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा तमाम ऑर्गेनाइज कमेटी से, और एक बार जितने भी हैं यहाँ पर, जहां जहां टूर्नामेंट होती है, छह छह टूर्नामेंट कम से कम, हमारे किन्नर समाज को, हमारे किन्नर वर्ग को आप ऐसे ही हमारे शहरी जैसे आप इनको जगह दें, ताकि इनको और यहां से फुटबॉल के क्षेत्र में भी इनको निखरने के लिए इनको और जगह मिल पाए, और वहां से जो है अपना जो पहचान है, वो अपना छाप जो है वो और बेहतर तरीके से बना सके। और यहां से अपूर्ति मिल गया है, अगर यहां से गोल कर देती है 15 नंबर के जर्सी खिलाड़ी, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट हमें मिल जाएगा कि ये इस बार का जो चैंपियनशिप के नाम में जाने वाला। और इसी के साथ ये नहीं, अभी नहीं हुआ है, देखिए अच्छा एक्साइटेड था, रखिए वहां पर विसिल बजा ही नहीं था, विसिल बंद साडिल था, और विसिल साडिल के ऊपर कोई सूट का आलो नहीं थे, नहीं तो तो धान उड़े रिसोर्ट हुआ रिसोर्ट। हाँ बिल्कुल सुशील, जिस प्रकार से जब तक यहाँ रेफरी का इशारा नहीं आता तब तक आप शॉट नहीं ले पाते हैं, शायद ये सब चीज़ है उनको थोड़ा सा भी सीखना है, और मैं आशा करता हूँ आप कुछ वर्षों में ये सारे चीज। और इस बार नहीं, इस बार भी नहीं हुआ, देखिए और इस बार भी नहीं हुआ, अच्छा ओंडे पर से रेफरी बाय और ओंडा उर्सिन उड़ाए थे नुवा गोल हो बाग बना करा ओंडे उपाद को एकदम सूटे का सब हम अब उड़ा उर्सिन हो ध्यान हम उड़ी और ओंडा इन्हें बात की सोचता बुना आ फिल्म बंदा ओंडे हो कोई बचा और ओंडा में से लोगों एकदम कोई और की थोड़ा कर थोड़े जेले को अड़ी उसे जल्दी बाजी रे बना को एकदम पछले ना हम तो और ओंडा में चले लिए हो गोल ना तेरहवा शॉट रे शानदार गोल हुई ना, अच्छा ही तो नहीं हुई चले